देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण। सदर SDPO पहुंचे पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज प्रशासन से बैठकर की बातचीत। देर रात चला था पुलिस और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। तीन बार आमने सामने हुए थे दोनों पक्ष, छात्र और पुलिस दोनों को आई थी बुरी तरह चोट। घटना पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जहाँ देर रात के हाट थाना की गश्ती पुलिस के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की हल्की कहासुनी देखते ही देखते बड़े रणक्षेत्र में तब्दील हो गई। छात्रों ने पुलिस वालों पर हमला किया तो पुलिस वालों ने भी लाठियां चटकाई। रात करीब 11 से लेकर देर रात 1 बजे तक यह घमासान जारी रहा। रात के करीब 2:30 बजे तक पॉलिटेक्निक चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हुए और पुलिस की गश्ती वाहन को भी छात्रों ने तोड़ दिया। इधर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को भी गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सूचना के मुताबिक 3 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। इस घटना के बाद सुबह सदर SDPO आनंद कुमार पांडे दलबल के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां कॉलेज प्रशासन से मिलकर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। घटना कुछ कंफ्यूजन के कारण छात्रों में और पुलिस में झड़प हो गई, यही घटना है। इसमें जो है जाँच करके सभी बिंदुओं पे बारीकी से छानबीन की जा रही है, जो प्रकाश में तथ्य आएगा उसके आरोप में कार्रवाई। घायल कोई बहुत विशेष तो हुआ नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से दो तीन चोट लोगों को चोट लगी। अभी मीटिंग क्लोज डोर मीटिंग थी, टीम जा रही है इसके साथ से डिस्कशन करने के लिए, उसके बाद भी बात आएगा तो आपको। पढ़ाई पे क्या असर? बिल्कुल, ये एक मेंटली टॉर्चर हुआ और ये मेंटली टॉर्चर पुलिस को नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम कर रहे हैं और इतना पुलिस आना, 200 पुलिस आना, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और ये मेंटली तो कहिए क्या, बिल्कुल लाठीचार्ज। हम कुछ फ्रेंड का तो हाथ पैर बहुत जगह चोट आई है, इवन हम लोग का फोटोस भी है, सिर भी फट गया और 2-3 लोगों को तो पुलिस ले भी गई है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत है, और पुलिस ले गई होगी तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसको टॉर्चर किया कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे टॉर्चर मत किया कीजिए। ये हम पुलिस अभी देख रहे हैं कि आप लोग सामान वामान के साथ कहाँ? हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का आज एग्जाम था जो कि आज कैंसिल कर दिया गया, जो छठ पूजा के बाद हो रहा, तो ये सब ये बात गलत है बिल्कुल। अब बोलिए तो एग्जाम इसके चलते लॉस हुआ, और हम लोग का दिसंबर में एग्जाम है, सोचिए कि 4 दिसंबर से एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। मेंटली हरासमेंट बहुत है, तो ये नहीं होना चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा। मामले में क्या कुछ? हाँ, कल रात की घटनाक्रम से संबंधित हमने कुछ बात की, छोटे जो विषय बातचीत हुई, और ये अनुशासन समिति को भी सर देने जा रहा हूँ जो भी होगा रिजल्ट। अरे सर, रात की घटना के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे देते हैं, क्या हुआ था? सर जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ कॉलेज के गेट पे जो हमारे चार संज्ञान में चार थे वहाँ पे उनसे हमारे किसके छात्र काफ़ी पता है छात्रों का आपस में, और जब वो उसका बांधना आगे आगे बढ़ गया फिर कुछ मान पी लिखी ऐसी भी आ गई चार बच्चे फिर अभी स्थिति सामान्य है। सर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह को भी डिटेन किया गया है आपके कॉलेज में? अभी अनुशासन समिति की कमेटी, अभी सारे बच्चे आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं या कुछ हॉस्पिटल वगैरह में? नहीं सारे बच्चे देख रहे थे हॉस्टल के बारे में, और बहुत सारे कॉन्स्टेबल आए और जेल के मारने के लाठी चार्ज, हमारे टीचर्स को मारे छोटी को मारे कार्ड से उठा दो। कितने लड़के घायल हो गए? बहुत सारे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लाठी चार्ज भी किया था? लाठी चार्ज और सभी थे।